की हाल रास्ता था। स्वागतम स्वागतम और देख मजा आने वाला है। और यहाँ पे आलो बस वन Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patent it. Being negative when you should be getting after it. I got facts over facts over tracks. This and that, spitting slow speed. Hey, what's up everyone? मेरा नाम है अल्फ्रेड अहमद और आप देख रहे हो रेविंग माइल्स। और आज हम लोग फाइनली निकल चुके हैं अपना ड्रीम डेस्टिनेशन मेचुका के लिए। यहाँ पे देख सकते हो अपना राइनो फुल्ली पैक्ड हो चुका है और फ्रंट में यूज़ कर रहा हूँ वाइटर की तरफ से ऑक्सिस टैंक बैग और पीछे एक ट्रैकिंग बैग है जो कि इम्पल्स के तरफ से। तो यहाँ पे राइनो तो क्या ही खतरनाक लुक पे चल रहा है आज। तो यहाँ पे देख सकते हैं अपना ब्रांडिंग वाला स्टिकर भी प्रिंट कर लिया अपने। और आंखें देखो राइनो की, मजे आ गए। और यहाँ पे कोल्ड स्टार्ट वगैरह हो चुका है तो अभी निकलने का टाइम है। तो बिना कोई देरी के साथ चले मिलते हैं मोटो व्लॉगिंग सेटअप पे। ओ तो फाइनली हम लोग निकल चुके हैं और टाइम हो रहा है 7:10। एक्चुअली निकलने का तो प्लान था हम लोग 5-6 बजे, लेकिन उस टाइम को इतना भयंकर बारिश हुआ ना देवगढ़ में, क्या ही बताओ। मतलब बहुत ही भयंकर बारिश हो गया था। उठ के बैठा था 4 बजे से, वेट कर करके हम लोग अभी 7 बजे भी निकल रहे हैं। तो अभी चलते हैं पहले डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी, वहाँ पे दो दोस्त जा रहे हैं तो उनसे मुलाकात होगा, फिर आराम से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। और मेचुका मेरे लिए बहुत ही खास डेस्टिनेशन है। क्यों? क्योंकि मेरे ज़िंदगी का पहला राइड डेस्टिनेशन मेचुका था, लेकिन इस टाइम जैसे हम लोग प्लान बनाते थे वो कैंसिल होता जाता था। और रिसेंटली भी मैं जाने के लिए ट्राई कर रहा था, लाइक अप्रॉक्स 30 सितंबर को निकलने के लिए प्लान था, लेकिन उसको का भी कैंसिल हो गया तो मेरा भी कैंसिल हो गया। तो अभी फाइनली जाने के लिए मिल रहा है तो उसके लिए तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और पता नहीं थोड़ा सा वबल कर रहा है बाइक, अभी देखते हैं, थोड़ा टायर प्रेशर ज़्यादा हो गया होगा, लेट्स सी क्या होता है। यहाँ पे जर्नी का पहला एडवेंचर स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे बारिश मिल चुका है और हमने डाल दिया है रेन कोट। और यहाँ पे जा रहे हैं अपने साथ RTR अपाचे RTR 164 भी, और यहाँ पे एक्सपल्स। और हमारे जर्नी में जुड़ चुके हैं पुरान भाई। क्या यो हाथ मिला रहा हूँ। और नील के नाथ वक्का जाने में आपने देखा ही होगा मेरे व्लॉग, अगर चेकआउट नहीं किया एक बार चेकआउट कर लेना। अभी फिलहाल के लिए गोप्रो अंदर डालूंगा क्योंकि बारिश से हम लोग रिक्स नहीं लेंगे। जब भी हम लोग थोड़ा सा रेन कम हो जाएगा या फिर ख़त्म हो जाएगा, रेनकोट उतारेंगे, फुल राइडिंग गियर्स, और उसके बाद व्लॉगिंग मोटो व्लॉगिंग स्टार्ट होगा। तो चलिए गए। तो अभी हम लोग बोगीबिल कोलाजान हम लोग क्रॉस कर चुके हैं, फिर अभी हम लोग पहुँचने वाले हैं सिला पठार। तो जस्ट लाइक अप्रॉक्स आपका 3-4 किलोमीटर होने वाला है, सिला पठार पहुँचे जाएंगे। और ऐसा भयंकर सीन हुआ ना उसके बाद, क्या ही बताऊँ। बोगीबिल क्रॉस करके जो रोड का कंडीशंस था, ऊपर से तो भयंकर बारिश, मतलब लिटरली पूरा मुंह पे पानी आ रहा था, इतना मतलब पोर्ट होल्स, उसके बाद जो बसेस थे ना, मतलब बहुत ही ज़्यादा रफ चला रहा था। तो फाइनली अभी बारिश थोड़ा सा कम हो चुका है, 1-2 बूंद बस गिर रहा है। अभी चलते हैं, कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे सिला पठार में। और देखो यार स्वागत कैसे हो रहा है सिला पठार में, हम लोग का पोर्ट होल से स्वागत हो रहा है। कोई ना, पहुँच ही गए लगता है सिला पठार। तो चलिए गाइस चलते हैं, खाते हैं कुछ, उसके बाद बात करते हैं आपसे। तो वेलकम टू सिला पठार गाइस। फाइनली हम लोग सिला पठार अभी पहुंच चुके हैं और यहाँ पे हम लोग घूम रहे हैं होटल ब्रेकफास्ट करने के लिए। देखते हैं क्या सीन रहता है, कहाँ पे खाएंगे। ज़्यादा क्राउड में घुसने के लिए दिल नहीं कर रहा है, ऑलरेडी पूजा का सीन चल रहा है तो पूजा हो रहा है तो भीड़ भाड़ तो होने वाला है। स्टिल देखते हैं, थोड़ा खाली एरिया में अगर कोई छोटा मोटा शॉप मिल गया ना, रोटी वगैरह खा लेंगे, उसके बाद फटाफट निकलेंगे। यार बारिश हो गया ना, मतलब लग जाएंगे कंटेंट के। और हम पहुंच गए रोटी होटल और हम लोग का आ चुका है यहाँ पे रोटी 3 प्लेट मस्त से अचार के साथ। और यहाँ पे पुरान भाई कैसा खाने में कैसा है वो तो पता नहीं, अभी खा के पता चलेगा। अभी देखो पहला बाइट हम कौन कौन नील, अभी तक खा के पता चलेगा कैसा है। बढ़िया, बाद में देखते हैं कितना प्राइस होने वाला है। और अभी रेन को खोला था लिटरली बाहर, फिर बारिश, पहले खाते हैं फिर निकलते हैं, बात करते हैं आपसे। की हाल रास्ता था, मतलब रास्ता या गड्ढा है मालूम नहीं चल रहा है,
यहाँ पे जेसीबी ना स्ट्रगल करते हुए और अपनी एक्सपल्स चीर के निकल तो गए, ओवरटेक नहीं हो पाएगा। यहाँ पे मतलब जो पोर्ट होल जो बड़े बड़े मिले ना भाई साहब, क्या ही बताओ। फाइनली रेन नहीं हो रहा है, आशा करता हूँ कि ऐसा ही हो। और मेचुका सीरीज के लिए राइडिंग पार्टनर SNBS कस्टम्स, वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर ऑल योर राइडिंग एक्सेसरीज। अगर क्रैश गार्ड लगवाना है, ग्लोव्स लेना है, जैकेट लेना है, जरूर से विजिट करो। कॉन्टेक्ट और एड्रेस आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। तो अपना पुरान भाई पीछे पीछे आ रहे, अपने फॉलो कर रहा हूँ, अभी लीड पे मैं हूँ। देखते हैं कितना बजे, ऑलरेडी 10:30 हो चुका है, बहुत ही ले चल रहे हैं। जल्दी से जल्दी हम लोग ILP बनाते हैं, फिर आलू के लिए निकलेंगे आज। तो चलो कोई दिक्कत नहीं है कि आलू तक पहुँचना है। रास्ते वगैरह थोड़ा सा ठीक ही रहेगा, जितना सुना है थोड़ा सा ख़राब है आगे सुनने में आया। लेट्स सी, वही एडवेंचर है एक्सपल्स पे, और क्या ही करेंगे, अपने को क्या करना है, बस ख़राब रास्ते आ जाए ना मैं जो मज़ा आ जाएगा। करी टक्कर होने वाली है अपनी। स्वागतम स्वागतम स्वागतम। और देख खतरनाक पोथोल के साथ लिखा वाली कर दिया हमारा स्वागत। यो यू, अभी देखते हैं ILP कहाँ बनाते हैं, कहाँ बनाएंगे ILP, कहाँ बनाएंगे ILP। उफ, बहुत टाइम लग गया यार। तो अभी हो चुका है आपका 11:30, तो बहुत लेट चल रहे हैं। लिकावल से फाइनली अपना जो इनर लाइन परमिट है वो हो चुका है, और अभी हम लोग बढ़ रहे हैं मेचुका की ओर। तो अभी थोड़ा सा GoPro में आपको एंगल चेंजेस अभी देखने के लिए मिलेगा, मतलब अभी मौसम थोड़ा सा बेटर हो गया कंपेयर करेंगे तो। जब शुरुआत हुआ था क्या भयंकर बारिश हो गया था। और अभी तो देखते हैं लंच कहाँ करते हैं, लंच तो करने का वैसे प्लान है नहीं, कहीं कुछ जूस वगैरह पी लेंगे एनर्जी के लिए, देखते हैं क्या होता है। और पास बनाने के लिए क्या ही भयंकर रास्तों से आना पड़ रहा है, लाइक लिटरली एक ऐसा है ना कि हम लोग एक पहाड़ी पे चढ़ के आए हैं DC ऑफिस लिखा वाली। और पास का अगर आप प्राइस बोलोगे इनर लाइन परमिट का, वो रहेगा आपका 130 रुपीज़ पर हेड, और जेरोक्स का 10 रुपया पकड़ लो, क्योंकि फ़ोटोज तो मैं खुद से लेके आया था, जो फ़ोटोज था ना मैं खुद से लेके आया था, तो इसलिए थोड़ा सा सस्ता पड़ गया, नहीं तो वहीं पे भी 10-20 रुपया तो चला ही जाता आराम से। उफ, तो चलिए पहले निकलते हैं फिर बात करते हैं आपसे। तो फाइनली हम लोग अभी पहाड़ी रास्ते शुरू हो गए, जो लीन होने वाला है ना, मज़ा सा आने वाला है। और यहाँ पे आलो बस 130 किलोमीटर दूर है, मज़ा आने वाला है। पीछे पीछे चल रहे अपने पुरान भाई, और आगे तो खतरनाक रास्ते शुरू हो चुके हैं यहाँ पे, क्या ही टगरी ऑफ रोडिंग के साथ किकिंग करते हुए हम लोग। और यहाँ पे GoPro का अंदर एंगल जो है ना थोड़ा सा ख़राब हो गया, माफ़ कर देना, ट्राई कर रहा हूँ अपना बेस्ट, ठीक है ना गाइस। तब तक यार लाइक कर दो चैनल में, नहीं तो सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलना यार, बहुत तगड़ी वीडियो आने वाली है। जो कल वाला एपिसोड आने वाला है कसम से बोला, क्या तगड़ी एडवेंचर आने वाली है। बस सब्सक्राइब करके रखो, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना, और पटाख से पहला वीडियो एक लाइक करके जाना यार। कुछ ओ भाई साहब यार, क्या तगड़ी लैंडस्लाइड होके रखी है, पूरा मतलब बह चुका था, पता नहीं बिल्कुल ही फ्रेश लग रहा है यार। जल्दी जल्दी निकलते हैं यहाँ से, और नीचे कीचड़ देखो यार क्या हालत होके रखा है, बहुत ही ज़्यादा तगड़ी लैंडस्लाइड। यहाँ से जल्दी निकलते हैं,
बस दुआ कर रहा हूँ कि आगे कुछ भी लैंडस्लाइड ना मिले। और हल्का हल्का जो बारिश का सीज़न होता है ना, लैंडस्लाइडिंग के वजह से मतलब खतरा मतलब पहाड़ों में भयंकर बढ़ जाता है, लेकिन इसी के चलते एडवेंचर जो है ना वो भी डबल हो जाता है। तो फन है, फन फनाफन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अभी देख सकते हैं आगे तगड़ी ऑफ रोडिंग चालू होने वाली है। जैसे आलू क्लोज, जैसे आलू के जितने करीब बढ़ेंगे तो सुनने में आया रास्ता थोड़ा सा ख़राब है, लेकिन जाके ही पता चलेगा। रास्ते में कितने भी लोग कुछ भी बोलते, इतना भरोसा या मतलब क्या बोलूँ, अपना जो कॉन्फिडेंस है ना उसको डाउन मत करना कभी। तो यहाँ पे चेक पोस्ट है, मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पे ILP वगैरह सर्च किया जाएगा। तो यहाँ पे बंद करते हैं कैमरा साइड से। तो यहाँ पे ILP दिखाना पड़ेगा, फिर निकल जाएंगे यहाँ से। तो भाई साहब देख सकते हो क्या ही तगड़ी वेदर है, और यहाँ पे क्या ही फॉग फॉग। और बहुत देर के बाद यहाँ पे अपने पुरान भाई आते हुए। तो यहाँ पे फाइनली अभी बहुत देर के बाद आ चुके हैं पुरान भाई। और वेदर देखो यार, मतलब इनका क्या सीन हो रहा है, इनका मतलब ब्रेक ही खराब हो गया ना फ्रंट का, और ऐसा है कि GoPro निकाल ही नहीं पा रहा, कॉन्स्टेंटली रेन चल रहा है। और पहले जो फॉग फॉग आप देख रहे हो ना, वो लिटरली क्लाउड्स है, मतलब पूरा सर के ऊपर क्लाउड्स है, हम लोग के आसपास पूरा क्लाउड है, इसीलिए फॉगी फॉगी है और कंटिन्यूस रेन, मतलब GoPro निकाल ही नहीं पा रहा हूँ। और इतने एपिक एपिक रास्ते थे ना वो खतरनाक भाई साहब, क्या बताएं। बस दुआ कर रहा हूँ प्लीज़ ये बरसात रुक जाए और GoPro निकालो और खतरनाक से भरी खतरनाक भरी रास्ते आपको दिखाओ यार। क्या ही तगड़ी बारिश, मतलब बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। और GoPro जैसे ही निकालूंगा, मतलब सोच सोच के मतलब बारिश खत्म ही नहीं, मतलब नॉन स्टॉप दे रहा है ना कब से, मतलब इसीलिए मोटो व्लॉगिंग मतलब आ ही नहीं रहेगा इस, मतलब थोड़ा सा माफ कर देना। और पीछे देखो अपना राइनो, उसके पीछे है अपाचे RTR, और बारिश का मजा लो, मतलब ऐसा लग रहा है फुल मानसून राइड हो रहा है, पूरा खतरनाक एक्सपीरियंस, खतरनाक बारिश। और यहाँ पे देखो बूट पूरा भीज के हालत खत्म, बूट गीला हो गया। यहाँ पे 1 लीटर निकलेगा, यहाँ पे 2 लीटर निकलने वाला है। तो आशा करता हूँ कि बारिश थोड़ा सा जल्दी जल्दी कम हो जाए। आलो पहुँचने से पहले, आलो जस्ट अप्रॉक्स 60 किलोमीटर दूर है यहाँ से, तो देखते हैं। अभी टाइम हो चुका है, 3 बज चुका है, अभी देखते हैं 2-3 घंटा लगना चाहिए यहाँ से। और फिलहाल के लिए हम लोग बसर में एंटर कर चुके हैं, लेट्स सी क्या होता है। छोटा सा 40 किलोमीटर बाद देख लिया, क्योंकि नॉन स्टॉप रेन में राइड करना बहुत ही मुश्किल है, और रास्ते क्या ही बताऊं, बहुत ही खतरनाक खतरनाक रास्ते आ गए बीच बीच में। गाइस आर वे बर्थडे, तो गाइस अमी आसो एतिया बसारत की पालू पांडा, ये अमी आसो बसारो नहोबो नहोबो गाइस नहोबो आर वे बर्थडे हिंदी देवा गाइस। तो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं बसार पे, हम लोग एंटर कर चुके हैं बसार पे। प्राण भाई हम लोग कहां पे पहुंचे अभी? अभी हम लोग पहुंच रहे बचार ना हो पाएगा इनसे।
और क्या खतरनाक सीन के यार, फाइनली हम लोग आलू पहुंच चुके हैं और यहाँ का नज़ारा देखो। मतलब 1500 पे हम लोग ने रूम बुक तो कर दिया था, मिल भी गया, और यहाँ पे देखो एक रूम पूरा, हम लोग बस अपना कपड़े टांग रहे क्योंकि जितने भी कपड़े लाए थे ना सबके सब भीग चुके हैं। मैं यहाँ पे हुडी पहनने वाला था, पूरा भीज के ख़त्म। फैन चल रहे ठंडी के मौसम में, मतलब अलग ही सीन। और ऐसा हुआ ना, एक चीज़ मेरे को बहुत बुरा लग रहा है कि एक बार भी मतलब मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया गोप्रो से, मतलब मोटो व्लॉगिंग एक प्रॉपर सेटअप नहीं आया, तो इसके लिए थोड़ा सा माफ़ कर देना। मैं आशा करता हूँ कि कल बारिश ना हो, एक बहुत ही एक्साइटिंग राइड होने वाला है क्योंकि कल से एडवेंचर तो डबल होने वाले हैं। जो खतरनाक रास्ते मिलने वाले हैं ना, क्या ही बताएं। और यहाँ पे कुरान भाई क्या ही रस्सी खोल रहे हैं, मतलब देख रहे हो एक होटल मिल रहा है, हम लोग ने मतलब अपना पूरा घर बना दिया, हॉस्टल बना के रख दिया है। तो एक बार तोड़ कर लेते हैं हॉस्टल के, यहाँ पे एक बार रूम तोड़ कर लेते हैं। यहाँ पे टॉयलेट मिल जाएगा, यहाँ पे अपना बेसिन, फिर यहाँ पे किचन टाइप का है, और यहाँ पे है आपका एक रूम जो हम लोग तीन जन अभी सोने वाले हैं। तो यहाँ पे तीन जन सोएंगे और फुल नाइट। वैसे तो निकलने वाला है हम लोग 5 बजे, निकलने के लिए सोच रहे हैं, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। अभी कुछ खाएंगे, बात करते हैं फिर बाकी। ओवरऑल होटल का लोकेशन वगैरह वो आपको एक अलग व्लॉग में मिल जाएगा पूरा। तो आशा करता हूँ ये वीडियो देख के आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स, एंड टिल देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय गाइस, सायोनारा, सी यू इन द सेकंड एपिसोड ऑफ मेचुका। बाय गाइस। मंजर भयानक, एक नंबर एसडी। ओ गिनने वाले थे यार, आराम से स्लो, गो स्लो। ओ लैंडस्लाइड, जाओ।